हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज निहारिका एंड आई एम 3 times नेट GRF। करंटली परसुइंग माय PhD एंड इन टुडेज वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड विच इज अ पार्ट ऑफ UGC नेट पेपर 1। सो आज का ये मॉड्यूल 1 होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टीचिंग और लर्निंग को। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखा होगा या प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि टीचिंग एंड लर्निंग का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे बहुत ही ज़्यादा कभी कभी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू आंसर दोज क्वेश्चन यू नीड टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट टीचिंग एंड लर्निंग इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेशली फॉर UGC नेट पेपर 1। And before we start, I just want to inform you that Unacademy's team and the UGC NET is organizing a revisathon for all the Maharashtra SET aspirants. Now, this is going to be a one-stop revision and practice camp which is conducted by India's top NTA UGC NET faculties, toppers and mentors. Now, these experienced individuals will help you to prepare for the upcoming Maharashtra SET December 2020. Exam. Now in this journey, you will have approximately 150 plus hours of live classes within a duration of 15 days. That is 15 दिनों में आपको 150 घंटों से ज़्यादा की live classes मिलेंगी. Now these classes will feature your favorite teachers who will offer guidance and let you through the best practice strategies and the most important topics. So yeah, this is going to be very crucial for those of the aspirants who are preparing for Maharashtra SET exam. And link आपको description box में मिल जाएगा paper 1 का भी paper 2 का भी and आपको screen पे दिखी गया होगा session की timings क्या क्या है, इसको आप देख लीजिए and अगर आप interested हैं join करने के लिए then link description में है, वहाँ पे जाकर आप click करोगे तो आपको ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा and the session timing is here on your screen. Also, we have online classes for NTA UGC NET. और इसमें आप घर बैठकर ही अपने कन्वीनियंस के हिसाब से NTA UGC NET के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.niharikajaiswal.com या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7395755009 पर। बाकी की जो डिटेल्स हैं हमारी क्लासेस के बारे में ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएंगी। आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो लर्निंग और टीचिंग का हमने बताया था कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं गाइस कि लर्निंग क्या होती है। सबसे पहले अगर हम अंडरस्टैंड करें लर्निंग को, ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड थिंग्स इन द लाइट ऑफ अवर पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब क्या, जो हमने पहले से चीजें एक्सपीरियंस कर ली होती हैं। ठीक है, तो हम चीजों को कैसे समझते हैं, जो उनसे रिलेटेड हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहा हो, वैसे ही लर्निंग की भी बात होती है। वी गेट अवर आइडियाज ऑफ व्हाट लर्निंग मींस फ्रॉम व्हाट हैपेंड टू अस इन द पास्ट। जो चीज आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो वही आपका एक या लर्निंग का बेस बनाती है, और जो चीज आपने एक्सपीरियंस नहीं की होती वो आपके लिए नई होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी मे थिंक ऑफ लर्निंग एज समथिंग विच टेक्स प्लेस इन अ स्कूल और अ कॉलेज इन अ क्लासरूम। वी मे थिंक ऑफ इट एज अ पर्सन सिटिंग अलोन एट नाइट ट्राइंग टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ फैक्ट्स सो दैट ही और शी कैन पास एन एग्जामिनेशन। तो हम लर्निंग को कैसे समझते हैं कि शायद वो सिर्फ स्कूल या कॉलेज में ही होती हो या सिर्फ क्लासरूम में ही होती हो, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई पर्सन रात में अकेला कुछ सोच रहा है और मेमोराइज करने की कोशिश कर रहा है बहुत सारे फैक्ट्स ताकि वो एग्जामिनेशन में पास हो जाए। तो ये आपका ऐसा लर्निंग का हो सकता है कि लर्निंग क्या है कि भाई आप स्कूल कॉलेज में ही होती है या आप कभी कुछ मेमोराइज करने की कोशिश हो तो वो लर्निंग है। बट अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करो तो दिस विल शोज दैट लर्निंग इज मच वाइडर देन दैट। लर्निंग एक बहुत, अगर आप एक अम्ब्रेला के कंटेक्स में देखो तो लर्निंग एक बहुत सा, एक बड़ा सा अम्ब्रेला है, उसके अंदर सारी चीजें आती है। आपका टीचिंग, आपका एजुकेशन, सारा कुछ उसके अंदर आता है। ट्रेनिंग, सारा कुछ आपके लर्निंग के अंदर आता है। तो लर्निंग इज अ वेरी वाइडर टर्म। सो आफ्टर ऑल चिल्ड्रन लर्न अ ग्रेट डील बिफोर दे इवन गेट टू स्कूल। दे लर्न टू स्पीक, दे लर्न टू वॉक। तो अगर आप समझोगे, एक क्वेश्चन आता है कि क्या लर्निंग तभी पॉसिबल है जब टीचिंग हो, तो ऐसा नहीं है। लर्निंग विदाउट टीचिंग इज ऑल्सो इवन पॉसिबल। तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा कोई
लर्नर जो है वो स्कूल जाए तभी वो सीखना शुरू करे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जैसे क्या लर्निंग हैज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं होती है लर्निंग की। बच्चा स्कूल में जाने से पहले भी बहुत सारी चीजें देखता है, वो चलना सीखता है, वो बोलना सीखता है, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लर्निंग। तो बिना टीचिंग के भी जरूरी नहीं कि कोई आपको टीच कर रहा हो, कोई आपको प्रीच कर रहा हो तभी आप लर्न करें। लर्निंग हमेशा हो सकती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और लर्निंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हमारे साथ क्या होता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन अवर व्हाट पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट टेल अस दैट एनी एक्टिविटी व्हिच लीड्स टू चेंज इन अवर बिहेवियर इज लर्निंग। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी एक्टिविटी जिसके आपके बिहेवियर में चेंज आया हो, नाउ दिस चेंज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। कोई भी चेंज आया हो, अब मान लीजिए आपने एक मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा, तो अब आपके बिहेवियर में चेंज, पहले आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, अब आपको बैलेंस करना आ गया, आपको साइकिल चलाना आ गया, भले ही परफेक्शन से नहीं बट आया, तो आपका बिहेवियर चेंज हुआ एक साइकिल चलाना सीखने से पहले और एक साइकिल चलाना सीखने के बाद। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपका बिहेवियर चेंज करे, जरूरी नहीं कि वो बहुत पॉजिटिव वे में ही हो। हम क्या करते हैं, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे ही सीखते हैं, तो उसी को क्या हम बोलते हैं, उसी को हम लर्निंग बोलते हैं, जो हमारे बिहेवियर में चेंज ला पाए। ओके, नाउ अब और कुछ आइडियाज डिस्कस कर लेते ताकि यू गेट टू नो व्हाट लर्निंग इज। तो लर्निंग सबसे पहले तो फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि लर्निंग, देखिए आप स्कूल कॉलेज एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में जाके आपको सीख रहे हैं तो वो फॉर्मल लर्निंग कहलाएगा। अगर हम बच्चे के कंटेक्स में बात करें, तो अगर चिल्ड्रन की बात करें तो वो स्कूल में जाकर भी लर्निंग करते हैं, बट वहीं पे अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, दे लर्न टू वॉक एंड दे लर्न टू स्पीक। तो दे लर्न टू वॉक, दे लर्न टू स्पीक, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक इनफॉर्मल सी लर्निंग है। तो वी लर्न इनफॉर्मली, जैसे यहां लिखा है मैंने कि वी एक्सपीरियंस डे बाय डे। इनफॉर्मली हम बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं, मैंने आपको एक वीडियो में सैनिटाइजर का एग्जांपल दिया था। थिंग्स व्हिच हैपन टू अस मेक्स अस चेंज द वे वी थिंक और एक्ट। तो कोई भी चीज जो हमारे साथ होती है तो क्या हम थिंक और एक्ट उसके हिसाब से करते हैं, वो हमारा चेंज बिहेवियर करता है। वी मे नॉट इवन बी अवेयर दैट वी आर लर्निंग विच मे कॉज प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, मे लर्न बैड एटीट्यूड्स फॉर द एग्जाम्पल ऑफ अदर्स। लर्निंग फॉर्मल भी हो सकती है, वी अटेंड अ कोर्स विच इज प्लान इन अ स्ट्रक्चर्ड वे इन अ स्कूल और कॉलेज। कभी कभी हम क्या होते हैं, अनकॉन्शियसली चीजें सीख जाते हैं, और कभी कभी एकदम प्रोफेशनल आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, आप कोई स्कूल गए, आप कोई कॉलेज गए, तो वहां पर जो लर्निंग होती है वो फॉर्मल होती है। Now, we don't just learn knowledge and facts, we also learn skills and attitudes. तो learning में क्या होता है भाई, कि learning में हम सिर्फ knowledge या facts, जो बातें facts पे based होती वो नहीं, हम skill और attitude भी learn करते हैं। So, इसमें क्या है, we learn knowledge, skill, attitude अलग अलग ways में। जैसे कि होता है कि अगर हम health workers की यहाँ पे बात करें, we may learn from a new idea discussion। तो जैसे जैसे लर्निंग है तो इसमें आपका स्किल और एटीट्यूड भी आप लर्न करते हो। और बहुत सारे लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज में लर्न करते हैं, जैसे कि बहुत सारे, अगर आप आगे भी हमारा अपने जैसे कोर्स ज्वाइन किया है तो वहाँ पे हम पूरा एलाबोरेट लेक्चर ही देते हैं, तो उसमें हम लर्निंग स्टाइल्स भी कवर करते हैं। तो कुछ पीपल क्या होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, उन्हें क्या दे लाइक टू मेमोराइज, जो भी उन्हें दिया गया है बस उसे वो मेमोराइज करना पसंद करते हैं। बहुत कॉमन स्टाइल है और इट इज रीइंफोर्स्ड बाय टीचर्स हु एक्सपेक्ट students to memorize and reward them for it. Other people's क्या होते हैं, जैसे एक receiver होता है, आपने उनको दे दिया, उन्होंने याद कर लिया। दूसरे क्या detectives होते हैं, वो investigate करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज learn कर रहे हैं, क्यों learn करते हैं, फिर उसे understand करने की कोशिश करते हैं। और फिर others क्या होते हैं, वो generators होते हैं, they like to decide themselves what they want to learn, they look for opportunities। तो यहाँ पे आपने देखा कि तीन चीजें, एक हो गया receiver जो दे दिया उसने learn कर लिया, detectives ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये वो क्या लर्न कर रहे हैं, जनरेटर्स वो खुद ही डिसाइड करते हैं, वो खुद ही अपने लिए जनरेट करते हैं आइडियाज लर्न करने के कि उन्हें क्या लर्न करना है, फिर अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं उस चीजों को लर्न करने के लिए। तो ये सारी बातें लर्निंग के बारे में है। नाउ लर्निंग कैन बी सुपरफिशियल और डीप। अब इफ नॉलेज इज ओनली मेमोराइज्ड, जैसे कि आपने नोट लर्निंग कर लिया, आपने नोटिफिकेशन कर लिया, तो बहुत जल्दी वो चीजों को भूल जाते हैं, और दे मे नेवर अफेक्ट द पर्सन दैट पर्सन डज हिज और हर वर्क। इफ द लर्नर इज मेड टू यूज द नॉलेज एक्टिवली, द लर्निंग बिकम्स डीप। मान लो कि आपने कोई रोट लर्निंग कर ली, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाओगे,
आपने देखा होगा कि आपने एग्जाम में अगर कुछ रट्टाफिकेशन करके गए हो तो वो भूल जाओगे बाद, बट अगर आपने कोई कंसेप्ट सीखा है तो वो सालों साल आपके दिमाग में रहेगा, और अगर आप वही नॉलेज एक्टिवली प्रैक्टिस भी करोगे तो वो आपकी लर्निंग क्या हो जाती है, डीप हो जाती है। द लर्नर कनेक्ट द न्यू नॉलेज टू द कॉन्सेप्ट दैट शी हैज ऑलरेडी हैज अंडरस्टैंड हाउ इट कैन बी यूज प्रैक्टिकली, इट इज देयरफॉर मोस्ट लाइकली टू बी रिमेंबर्ड एंड यूज्ड। तो इसमें डीप लर्निंग में क्या होता है, आपकी जो नई नॉलेज है वो जो आपके पास ऑलरेडी जो प्रायर नॉलेज है आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, फिर उसको प्रैक्टिकली यूज करते हो डीप लर्निंग में, तो इसलिए आपको ज्यादा यू नो देर तक याद भी रहती है। बट अगर आप सुपरफिशियली कर रहे हो, आप सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे हो, तो वहां पे लर्निंग आपकी सुपरफिशियल हो जाती है। मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग के, व्हाट इज इट दैट मेक्स पीपल वांट टू लर्न, सम लर्न बिकॉज दे वांट टू बी बेटर जॉब, गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द फीलिंग दैट दे आर कॉम्पिटेंट। तो हर एक चीज को लर्न करने के लिए आपका अलग अलग चीज मोटिवेशन होता है, आपका नेट क्वालिफाई करने के लिए एक मोटिवेशन होगा, अगर वो मोटिवेशन सॉरी अगर वो मोटिवेशन नहीं है तो बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और आपका नेट नहीं क्वालिफाई होगा। तो हर चीज को लर्न करने के लिए आपकी एक मोटिवेशन की जरूरत है। तो एक मोटिवेशन होता है जैसे कि नेट वाले बच्चों में क्या होता है कि भाई हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये रिवॉर्ड है। तो जब तक आपको रिवॉर्ड नहीं दिखेगा आप कोई भी चीज लर्न करने के लिए मोटिवेट नहीं होगे। जैसे कि बाई गेनिंग का क्वालिफिकेशन, आप कोई क्वालिफिकेशन से नेट जेआरएफ की बात हो रही है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, बेटर पे मिलेगी, इन कंटेक्स्ट टू एनटीए यूजीसी में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। सो ये मोटिवेशन होना लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग कंटिन्यूज थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ टाइम, एटलीस्ट इनफॉर्मली तो होता है। जैसे कि मैंने बताया लर्निंग हैज नो एज, जब तक इंसान इस धरती पे जिंदा है तब तक वो लर्निंग छोड़ ही नहीं सकता है। जैसे मैंने बोला कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों ही तरह हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है, और कभी भी लर्निंग बंद नहीं होती। तो इनफॉर्मली भी, जैसे कि मान लीजिए आप हमेशा तो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएंगे नहीं, तो इनफॉर्मली आपकी लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रहती है। अब हम आते हैं टीचिंग के ऊपर। लर्निंग आपने समझ ली, लर्निंग क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके बिहेवियर में चेंज लाए आप उसे लर्निंग कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग दोनों हो सकती है, सुपरफिशियल या डीप हो सकती है, और कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम लर्न करते हैं। अगेन अगर हम टीचिंग की बात करें तो ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। अवर अर्लीस्ट एक्सपीरियंस अगर हम स्कूल की बात करें जहां पे टीचर वॉज ऑल्सो मास्टर और मिस्टर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लास टेलिंग अस व्हाट टू डू एंड व्हाट टू लर्न, तो ये क्या है, ये टीचिंग है एक तरीके से। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर डाली हुई है, तो इसी को हम टीचिंग समझते हैं कि टीचिंग क्या है भाई, ब्लैक बोर्ड पे मास्टर या हम उनको मिस्टर्स बोलते हैं, वो क्लास के सामने खड़े हैं, हमें कुछ बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या लर्न करना है। अदर ने कैसे एक्सपीरियंस किया होगा, वेयर टीचर इज मोर ऑफ एन इक्वल हु टेक्स एन अकाउंट ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस एंड इवन लर्न्स फ्रॉम द लर्नर। तो एक और क्या होगा कि टीचर एक तरीके से इक्वल होता है जो लर्नर का एक्सपीरियंस भी अपने में लेता है और लर्नर से भी लर्न करता है। तो ये अलग अलग अप्रोच होती है। तो टीचिंग इज हेल्पिंग अदर पीपल टू लर्न, अकॉर्डिंग टू एबट एंड मैकमोहन उन्होंने क्या बोला, टीचिंग इज हेल्पिंग अदर्स टू लर्न। अब आपने यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो लर्निंग है वो एक वाइड कंसेप्ट है और लर्निंग के अंदर ही हमारा टीचिंग आता है। आई होप इट इज अंडरस्टूड कि लर्निंग के अंदर ही आपका टीचिंग आता है। सो टीचिंग इज हेल्पिंग अदर पीपल टू लर्न। टीचिंग क्या है, एक सार समझ लीजिए कि टीचिंग आप दूसरों की मदद करते हैं चीजों को लर्न करने में। सो ये क्लियर रखिए। नाउ यहाँ पर टीचिंग क्या होता है, लर्निंग टीचिंग में यहाँ पे देखिए टीचिंग का लर्निंग पार्ट, जो टीचिंग है वो लर्निंग का एक पार्ट है। यहाँ पे देखिए द टीचर हैज टू डिसाइड व्हाट स्टूडेंट टू शुड लर्न, द स्टूडेंट्स में टेक पार्ट इन दिस डिसीजन बट ऑल आर गाइडेड बाय द सेम प्रिंसिपल, इट इज जॉब दैट पीपल हैव टू डू दैट डिटरमाइंस व्हाट दे शुड लर्न, दे हैव टू लर्न ऑल द नॉलेज स्किल्स दैट दे नीड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब, दे लर्न व्हाट दे मस्ट नो एंड शुड नो एंड व्हाट इज नाइस टू नो। तो टीचर क्या भैया कराता है स्टूडेंट्स को कि उन्हें क्या पता होना चाहिए और what they must know and what they should know,
और ये वहां पे टीचर ये नहीं बताते व्हाट इज नाइस टू नो, क्योंकि टीचर का एक जॉब होता है कि यू नो दे नीड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब, स्किल्स और एटीट्यूड जो उसके नॉलेज सारा कुछ उन्हें लर्न करना पड़ता है। अब आप चाहे इसको स्कूल के कंटेक्स्ट में ले लो, चाहे एक यूनिवर्सिटी या एक ट्रेनिंग के लेवल पे देख लो, तो टीचर डिसाइड करता है, क्योंकि स्टूडेंट को तो नहीं पता इसलिए वो स्टूडेंट है, और टीचर को पता है इसलिए वो टीचर है, तो वो डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स को क्या लर्न करना है। द टीचर हैज टू हेल्प द लर्नर्स, दिस इज नॉट मीन दैट टीचर स्पून फीड देयर, अब टीचर बच्चे को लर्न करने में मदद करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको स्पून फीड कर रहा है, सारा कुछ बता रहा है कि वो बेबीज की तरह उन्हें स्पून फीड कर रहा है। इट डज मीन दैट द टीचर्स फर्स्ट कंसर्न शुड बी स्टूडेंट शुड लर्न एज वेल एज पॉसिबल। टीचिंग सेशंस और क्लासेस आपको बहुत केयरफुली प्लान करना पड़ता है, आपको लर्निंग स्टाइल्स अकाउंट पे लेना पड़ता है, आपको लैंग्वेज बैकग्राउंड स्टूडेंट्स का सब कुछ देखना पड़ता है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो टीचर्स शुड मस्ट बी स्टूडेंट सेंटर्ड एंड नॉट टीचर सेंटर्ड, ये हमेशा बात याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी आजकल होना चाहिए वो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट के बेस पे होना चाहिए, ना कि टीचर का सेंटर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट्स कैसे हैं, उनका लर्निंग स्टाइल कैसा, उनका बैकग्राउंड कैसे, उनकी लैंग्वेज कैसी, इस पर आपका टीचिंग स्टाइल, इस पर आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड होने चाहिए। अ टीचर हैज टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स हैव लर्नड, ही शी हैज टू असेस देम, यहाँ पे इवैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं, तो टीचर को मेक श्योर करना पड़ता है कि भैया स्टूडेंट्स ने लर्न किया है, तो यहाँ पे असेसमेंट काम आता है, असेसमेंट जो हमने इवैल्यूएशन पढ़ा है, हैज टीचर एंड स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर कोई वीकनेस है तो वो उसे अटेंड कर पाए, एक स्टैंडर्ड बनाता है दैट सोसाइटी इज गिवन पीपल हु आर कॉम्पिटेंट टू प्रैक्टिस। तो हम स्कूल जाते हैं पढ़ाई करते हैं, तो ये हमें क्या एक काबिल इंसान बनाता है, ऐसी सोसाइटी बनाने में मदद करता है जो लोग दैट आर कॉम्पिटेंट टू प्रैक्टिस। असेसमेंट मस्ट बी केयरफुली प्लान सो दैट सपोर्ट्स दैट लर्निंग वी वॉन्ट टू सी। तो लर्निंग अगर हमें चाहिए, क्योंकि एक लर्निंग एक बड़ा प्रोसेस है और टीचिंग उसका एक पार्ट है, टीचिंग के थ्रू बच्चों को लर्न करवाते हैं। वी नो दैट द स्टूडेंट्स लर्न व्हाट दे बिलीव दे नीड टू पास द एग्जाम्स एंड लीव आउट द रेस्ट। ओके, नाउ टीचर हैज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर, वेलफेयर के ऊपर भी टीचर को ध्यान देना है। टीचिंग यही है कि आपको लर्न असेस करना है, वेलफेयर पे ध्यान देना है, उन लर्नर्स को लर्न कराना है, और ये डिसाइड करना है कि उन्हें क्या लर्न करना है क्या नहीं करना है। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं और हैप्पी होते हैं वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो गुड टीचर्स ट्राई टू इंश्योर दैट द जनरल लिविंग कंडीशंस एंड एनवायरमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स आर एडिक्वेट, तो उनका जो लिविंग कंडीशन है, उनका जो एनवायरमेंट है वो सही होना चाहिए। दे ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और एक ओपन और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप कल्टिवेट करने की कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि स्टूडेंट्स एक अच्छे एटमोसफेयर में पढ़ाई कर पाए। ओके, सो या दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट टीचिंग इज। तो टीचिंग में हमने जाना कि टीचर का क्या रोल होता है, और लर्निंग बहुत अलग कंसेप्ट है। लर्निंग में हम क्या करते हैं, लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लर्निंग और टीचिंग दोनों ही अलग है। बाकी और भी हम डिटेल्स में करेंगे। आपको पसंद आया आज का लेक्चर तो कॉमेंट करके बताइए कैसा लगा, कोई कमी हो कोई खामी हो तो जरूर बताइए। साथ ही जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि दिव्या है ऑनलाइन क्लासेस फॉर एनटीए यूजीसी नेट, एंड अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने घर बैठे फॉर एनटीए यूजीसी नेट, सो यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप अस 7837575509। वी ऑफर अवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर पेपर वन एज वेल एज फॉर कॉमर्स एज वेल एज फॉर मैनेजमेंट। सो अगर आपका कॉमर्स या मैनेजमेंट है तो आप हमारे पेपर वन पेपर टू दोनों के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आपका कॉमर्स मैनेजमेंट नहीं है तो आप हमारे सेपरेट बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पेपर वन। अगर हम अपने फीचर्स की बात करें, सो वी हैव यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स, बिकॉज यस नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाएगी, ये मत समझिएगा ऑनलाइन क्लास है तो आपकी क्वेरीज कैसे सॉल्व की जाएंगी, हर एक बच्चे को हम लोग पर्सनली गाइड करते हैं, क्योंकि मैंने अपना खुद यूजीसी ने 3 बार क्वालिफाई किया है जेआरएफ के साथ, सो आई नो हाउ इट गोज, मुझे पूरा प्रोसेस पता है, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही बच्चों को, हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं उनको गाइड करती हूँ। सारा कुछ आपने पढ़ लिया, आप मॉक टेस्ट आपको लगाने के लिए मिलेगा ताकि आपको एग्जाम का फील मिले, और आप अपनी जितना भी आपके नॉलेज है, जितना भी आपने ज्ञान अर्जित किया, आप उसको टेस्ट कर पाओ। एंड ये सारे वीडियो लेक्चर्स को, सारे पीडीएफ नोट्स को एक्सप्लेन करता हुआ हमारे पास वीडियो लेक्चर्स भी है, क्योंकि कुछ चीजें हम सिर्फ पीडीएफ नोट से नहीं समझ सकते, तो वीडियो लेक्चर्स आपको सारे टॉपिक्स के मिलेंगे ताकि सारा कुछ बेटर हो जाए अंडरस्टैंड करने के लिए। ऑल्सो वी हैव कस्टमाइज स्टडी टाइम टेबल, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे पास मटीरियल है, हर चीज है, बट भाई हम पढ़ें कैसे, है ना, कि कब क्या पढ़ना है हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए भी हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनका कस्टमाइज स्टडी टाइम टेबल बना के देते हैं,
ताकि उन्हें पता चल जाए कि उन्हें कब क्या चीज़ पढ़नी है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उनका पूरा कोर्स कवर हो जाए। बाकी हमारा कोर्स आता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, वन टाइम पेमेंट आपको करनी है। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप हमारे कोर्स में रह सकते हैं, बार बार आपको देना या अपनी यू नो एनरोलमेंट रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। सो दिस इज द बेस्ट फीचर वी हैव। और आपने देखा होगा कि बहुत लोग एनरोल कर लेते हैं या बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि हमने इस क्लास में एनरोल किया तब क्या तभी अभी हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जो है, जो हमने स्टडी मटेरियल अपना कंपाइल किया है, वो सारे जो इम्पोर्टेंट बुक्स उस टॉपिक से रिलेटेड है उनको हमने रेफर किया है, एंड साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज है वो भी हमने कंबाइन करके अपना स्टडी मटेरियल बनाया है। तो हमारा स्टडी मटेरियल परफेक्ट ब्लेंड है सारे बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज का। कभी कभी आप पढ़ने बैठने आपको वो चीज़ बुक में नहीं मिलती तो आप गूगल पे जाते हैं, फिर आप करते हैं, फिर अपने नोट्स बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमने दोनों का कॉम्बिनेशन करके अपने नोट्स को बनाया है और जिसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। सो अगर आपको डेमो लेक्चर्स लेने हैं या रजिस्टर करना है हमारे कोर्स के लिए, सो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.niharikajaiswal.com या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो 7835759। वी विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स ताकि आप आगे एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में जून 2021 के लिए अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाए। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको टीचिंग और लर्निंग के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा और दोनों को कनेक्ट करके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।